बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन भावानी है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइवेट ग्रुप की और जो हमारे जो स्पेशल ग्रुप जो है, इसमें बेहतरीन कॉल दी जा रही है और आज भी काफ़ी सारी बेहतरीन कॉल दी गई, एक के बाद एक आइटम शेयर की गई। आज की अगर देखा जाए तो मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। देखा जाए तो इंडेक्स के लिहाज से मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव थी, लेकिन आइटम के लिहाज से मार्केट पॉजिटिव थी और काफ़ी अच्छा गेन किया प्राइवेट ग्रुप में। स्पेशल ग्रुप में हमने एवन सियोन की लाइन दी, अलहमदुल्ला 73 के अराउंड और 76 तक गया। इसके अलावा पार्क इलेक्ट्रॉन की लाइन दी, 36 तक गया। हमने जनरल टायर की टिप शेयर की 72 के अराउंड, 71 के अराउंड और 75 तक गया। इसके अलावा ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन स्क्रिप्ट जो है प्राइवेट ग्रुप में और स्पेशल ग्रुप में शेयर हो रहे। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और डेली अच्छा काम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और हमारे यहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको बेयारों मददगार नहीं छोड़ा जाता, उनको इंडेक्स के लिहाज से लाइव ऑडियो कॉल के थ्रू बताया जाता है और साथ ही टिप्स भी शेयर की जाती है। अब हम बात करेंगे आज की मार्केट के हवाले से। आज की मार्केट का आगाज देखा जाए तो पॉजिटिव रहा, 50 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव रही। फिर हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव साइड पर चली गई और मार्केट रेंज बाउंड रही। मार्केट ने एक टाइम में, जैसे कि हमने लेवल बताया था 42,300 का फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया है, वो ब्रेक भी हुआ, लेकिन सेकंड रेजिस्टेंट एरिया जो 42,400 का लेवल था, मार्केट वो ब्रेक नहीं कर सकी। इसके अलावा एक टाइम में 114 पॉइंट प्लस भी हो गई मार्केट, और फिर मार्केट की जो क्लोज मार्केट ने डाउन साइड ली, टिप ली और मार्केट 42,047 पॉइंट तक आ गई। इंडेक्स ने सपोर्ट लेवल जो हमने बताया था 42,000 का लेवल, वो ब्रेक नहीं किया और मार्केट की जो क्लोजिंग है 42,115 के करीब 91 पॉइंट माइनस के साथ रही। इसके अलावा अगर आज की हम सेलिंग साइड पर देखें पीपीलीपी डेटा को, तो आज मेजर जो सेलिंग थी फॉरेनर्स, बैंक्स और कंपनीज की सेलिंग थी। और इसके अलावा हम मुसलसल आपको लास्ट वीक से बता रहे थे कि मार्केट ओवरबोट है और जिसमें बैंक जो है वो मुसलसल सेलिंग साइड पर है। इसके अलावा इनके अगेंस्ट में जो बाइंग रही वो इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, इसके अलावा इंश्योरेंस और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड पर रहे। इसके अलावा अगर हम कल के स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो इसमें देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह एवन सियोन का हमने सपोर्ट लेवल बताया था 69.50 का, वो ब्रेक नहीं हुआ और नया हाई बना 76.75 का। इसी तरीके से नेटसोल का 93 का स्टॉपर जो था वो ब्रेक नहीं हुआ और नया हाई बना 102.57 का। हमने बताया था कि अगर ये नहीं टूटेगा तो ये नया हाई बनेगा और अल्हम्दुलिल्लाह 102.57 रुपये का हाई बना। इसके अलावा टीआरजी में भी जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक नहीं हुआ 68 का और 75.80 का नया हाई बना। इसके अलावा जनरल टायर में हमने व्यू मुसलसल फ्राइडे से दे रहे थे कि ओवरऑल पॉजिटिव है 75 के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल टारगेट हिट हुए और 75.50 का हाई बना। आयल के पार्क इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो पार्क इलेक्ट्रॉन में आज नया हाई बना और 36.33 रुपये तक गया और इसमें भी देखा जाए तो हमारे तमाम टारगेट हिट हुए। इसके अलावा अगर हम एसटीपीएल की बात करें तो स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, एसपीएल में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग थी, एक्साइड और एटलस बैटरी में स्लाइटली अपसाइड हमने देखी। इसके अलावा ऑयल स्टॉक्स में पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने 408 का ही हाई लिया और 405 हमारा फर्स्ट टीपी था, अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ। इसके अलावा ओजीडीसी, पीपीएल, हैस्कॉल में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में शॉर्ट यानी कि अपसाइड के बाद हमने देखा कि प्रॉफिटिंग आई 221.90 रुपये हाई बनाने के बाद, हमारा फर्स्ट टारगेट भी हिट हुआ। साजू की अगर हम बात करें तो साजू में एक्यूमुलेशन साइड पे रहा। इसके अलावा जीएचएनआई में हाई सेट पे जाने के बाद प्रॉफिटिंग देखी गई और इसमें भी एक एक टारगेट हिट हुए। होंडा कार में एक टारगेट हिट हुआ, 325 का हाई बना और फिर स्लाइडली प्रॉफिटिंग देखी गई। इसके अलावा स्टील सेक्टर में 82.99 का नया हाई बना और प्रॉफिटिंग नजर आई। इसके अलावा INIL में भी 153.10 का हाई बनाने के बाद प्रॉफिटिंग देखी गई। अमरेली स्टील को जैसे हमने रिकमेंड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह नया हाई बना 47.20 का और फिर स्लाइडली प्रॉफिटिंग देखी गई। इसके अलावा रिफाइनरी में जैसे लेवल दिया था कि 238 रेजिस्टेंट एरिया है नेशनल रिफाइनरी का, वो ब्रेक होगा तो 248 तक जा सकता है, 248 का हाई बना और ऊपर के लॉक पे क्लोज हुआ। इसके अलावा ATRL 165.90 का हाई बना और पॉजिटिव क्लोज रहा और PRL में देखा जाए तो एक्यूमुलेशन होती रही। इसके अलावा छोटे आइटम भी बेहतर परफॉर्म करते रहे और इसमें ट्रीट कॉर्पोरेशन का ऊपर का लॉक भी लगा और 31 से अबव क्लोज भी हुआ। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड मार्केट के हवाले से।
वर्ल्ड मार्केट में अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स में प्रॉफिट टेकिंग रही, 176 पॉइंट के साथ प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, 30,000 के इंडेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा नैसडेक में 53 पॉइंट का इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम S&P की बात करें तो S&P में 3 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग दिखी। इसके अलावा अगर हम निकी की बात करें तो निकी में 203 पॉइंट का प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। शिंगाई की अगर हम बात करें तो 27 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग दिखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आज एक नया हाई लिया और 45,426 के करीब क्लोज रहा, 347 पॉइंट का इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में देखा जाए तो 46.19 पैसे का हाई बना और 45.36 पैसे का लो बना। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 45.85 के करीब ट्रेड कर रहे हैं और 39 पैसे थोड़ा सा स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज की जो मार्केट थी, हमने पहले ही बता दिया था कि मार्केट की जो है वो रेंज बाउंड रहेगी, और मार्केट का जो रेजिस्टेंट एरिया थे वो भी हमने बताया था कि 42,300-400 का मेजर रेजिस्टेंट एरिया है और सपोर्ट एरिया 42,000 है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया, लेकिन इसमें आइटम बेहतरीन परफॉर्म करते रहे, जिसमें एवेंसियन, नेटसोल, इसके अलावा जनरल टायर, इसके अलावा पार्क इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा जो है वो अमरेली स्टील, इनमें बहुत अच्छी एक अच्छी तेजी भी मिली और एक अच्छी रैली मिली। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है देखा जाए तो 42,100 के करीब है। देखा जाए तो इंडेक्स ने अपना सेकेंड टाइम अपना रेजिस्टेंट एरिया जो था 42,400 का लेवल वो ब्रेक नहीं किया। आज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी थी जिसकी वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड जैसी कैफियत में थी, लेकिन अब जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंट एरिया है, फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया 42,300 का है, अगर वो ब्रेक होगा देन मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा 42,500 से लेकर 800 का लेवल होगा। इसी तरीके से इंडेक्स का जो सपोर्ट एरिया है 42,000 का फर्स्ट सपोर्ट एरिया, अगर वो ब्रेक होता है तो 41,700 से लेकर 400 तक मार्केट मूव कर सकती है। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है उस हिसाब से ये कि मार्केट के पास देखा जाए तो 2 दिन से मार्केट यहाँ पे रुक रही है और यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर नया 42,300 का रेजिस्टेंट एरिया ब्रेक होता है देन आप न्यू तेजी की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। जैसे कि आपको याद होगा कि थर्सडे वाली वीडियो से हम ये मुसलसल कह रहे थे कि मार्केट ओवरबोर्ड है, शॉर्ट ग्राफ है और करेक्शन ड्यू है। उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो थर्सडे से मार्केट आपकी थर्सडे वाले दिन भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी इंडेक्स के लिहाज से, फ्राइडे वाले दिन भी नहीं किया और आज मंडे वाले दिन भी मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। जबकि आइटम के लिहाज से देखा जाए तो आइटम्स ने बेहतर परफॉर्म किया है और कुछ आइटम में प्रॉफिट टेकिंग भी रही है। तो ओवरऑल इंडेक्स आपका जो है वो स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग, स्लाइटली करेक्शन आ सकती है, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना, आपने प्रेशर में नहीं आना। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो लॉन्ग व्यू है तेजी का है, मार्केट में जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी हाई साइड के लिए। तो ओवरऑल अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं और किसी किस्म उनका पैनिक सिचुएशन नहीं है। अब हम बात करेंगे इंडेक्स आइटम के हवाले से। स्टॉक्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो एवेंसियन एक नए हाई की तरफ जा चुका है। इसका जो सपोर्ट एरिया वो 73 है, अगर 73 ब्रेक होगा तो देन हम इसमें करेक्शन देखेंगे, अदरवाइज 77 से लेके 80 के एरिया तक मूव कर सकता है। इसके अलावा नेटसोल की अगर हम बात करें तो नेटसोल में 96 का सपोर्ट एरिया, अगर वो ब्रेक होगा तो मार्केट नेटसोल में करेक्शन होगी, अदरवाइज 104, 106, 108 तक मूव कर सकता है हाई साइड की तरफ। टीआरजी की अगर हम बात करें तो सपोर्ट एरिया 70 का है, अगर 70 का लेवल ब्रेक होगा तो करेक्शन होगी, अदरवाइज 76 ब्रेक करने के बाद 77 से लेके 80 तक मूव कर सकता है, 76 इसका रेजिस्टेंट एरिया है। अगर जनरल टायर की बात करें, जनरल टायर आपका पॉजिटिव है हाई साइड के लिए, मजीद इसमें तेजी देखी जा सकती है। पार्क इलेक्ट्रॉन आपका स्पेशली पॉजिटिव है और इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। ऑयल स्टॉक्स में ये हो सकता है कि थोड़ी सी डिपर एक्यूमुलेशन हो सकती है, लेकिन इसके अंदर अच्छी रैली बन सकती है, जिसमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, OGDC है, PPL है और हेस्कोल है। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में लास्ट 2 वीक्स से अगर देखा जाए तो बेहतर एक तेजी हो रही थी, जिसकी वजह से आज शॉर्ट करेक्शन देखी गई। लेकिन शॉर्ट डिप अगर कल के टाइम शॉर्ट करेक्शन होती है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए, जिसमें PSMC, साजू, GHNL, GHNI, होंडा कार, गेल पॉजिटिव है और इंशाल्लाह हाई साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आइटम में एक्साइड इलेक्ट्रिक बैटरी अच्छे हैं डिलीवरी के लिए, और अगर हम बात करें स्टील सेक्टर में, स्टील सेक्टर में ISL और अमरेली स्टील थोड़ी सी करेक्शन लेते हैं तो उनको डिपर देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर आज भी बेहतर परफॉर्म कर रहा था और 107 का लेवल डीजी खान ने क्रॉस भी किया, लेकिन सीमेंट सेक्टर देखा जाए थोड़ा सा डल, जैसे कि एक रेंज बाउंड जैसे उसमें है, लेकिन सीमेंट अगर थोड़ा सा डिप लेता है तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है।
इसके अलावा फूड सेक्टर में फौजी फूड एक्यूमुलेशन पर है, और यूनिटी में जैसे कि हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी थी, हाई साइड पर जाने के बाद प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो नेशनल रिफाइनरी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया वो 255 का, 255 क्रॉस होगा, ब्रेक होगा तो 265 तक जा सकता है। सपोर्ट एरिया में नेशनल रिफाइनरी का 238 होगा, अगर 238 ब्रेक होगा तो प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो सकती है। अटक रिफाइनरी और पीआरएल हाईली पॉजिटिव है और किसी भी टाइम हाई यानी कि हाई साइड की तरफ जा सकते हैं और हाईली पॉजिटिव है। इसके अलावा छोटे आइटमों में अगर हम बात करें तो ट्रीट कॉरपोरेशन आपका FNEL, BGL, बाइको, STPL, इसके अलावा सितारा प्रोक्साइड थोड़ी सी अगर डिप लेते हैं तो एक्यूमलेट किया जा सकता है। ओवरऑल इंडेक्स के लिहाज से मार्केट थोड़ी सी डाली, क्योंकि इंडेक्स देखा जाए तो लास्ट 2 वीक से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, इस वीक में थोड़ी सी यानी कि स्लाइटली करेक्शन थी, क्योंकि वीक जो है वो लास्ट वीक हाईली पॉजिटिव बंद हुआ था। और वीक के हिसाब से अगर क्लोजिंग देखें वीक ऑन वीक बेसिस पे तो वीक की क्लोजिंग बड़ी शानदार है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। इसके हिसाब से अगर इंडेक्स की हम ओवरऑल व्यू बात करें वीक के हिसाब से तो इंडेक्स के पास जो करेक्शन अगर इंडेक्स करता भी है तो 41,700 या मैक्सिमम 41,500, लेकिन यहाँ तक अगर करेक्शन होती है तो यहाँ तक हो सकती है, लेकिन अगर करेक्शन यहाँ तक होती है तो फॉरन से ही मार्केट बाउंस बैक होगी और मार्केट हाई साइड की तरफ मूव करना शुरू करेगी, क्योंकि लॉन्ग व्यू आपके तेजी है। जैसे ही मार्केट का लेवल 41,000 42,300 से लेकर 400 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, मार्केट में न्यू हाई बनना शुरू हो जाएंगे, तो ओवरऑल पैनिक होने की कोई यानी कि यहाँ पे पैनिक ना हो, ओवरऑल अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पेशल ग्रुप, हमारे प्राइवेट ग्रुप में मुसलसल अच्छी कॉलें दी जा रही है, जिससे क्लाइंट आज भी बहुत अच्छी अर्निंग की है। इस डल मार्केट में भी आज भी हमारे क्लाइंट ने बेहतरीन अर्निंग की है। इसका स्नैपशॉट हमने अपने जो अदर ग्रुप्स थे, टेलीग्राम ग्रुप और दूसरे ग्रुप, उसमें हमने शेयर भी किया कि आज हमने ये आइटम्स अपने ग्रुप में चलाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमें बहुत अच्छी और बड़ी कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी हमारे इस नेटवर्क, हमारे इस स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें और स्टॉक मार्केट में एक बेहतरीन तेजी करना चाहें, और जिसमें आपको ये ना हो कि आपको जो है वो दूसरे ग्रुप से मदद लेनी पड़े, हमारा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुद जैसे इतना कैपेबल है कि उस ग्रुप के अंदर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है स्टॉक की ट्रेडिंग के लिहाज से। और वैसे भी जो इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, उनको ये चाहिए होता है कि अच्छी गाइडलाइन मिले, अच्छे टिप्स मिले जिनके ऊपर काम कर सके, और ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, अपने अकाउंट होल्डर के साथ। अगर आप भी हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कॉल हमें हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आपका कहीं पे भी अकाउंट है, UKN नंबर लें और KYC एप्लीकेशन फॉर्म लें और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करें, ऑनलाइन अकाउंट इजीली ओपन हो जाता है। आप अगर लाहौर से हैं या किसी भी शहर से तो ये ना सोचें कि ऑनलाइन किस तरह होता है, आजकल तो चाइना से, यूरोप से अकाउंट ओपन हो रहे हैं और वो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं और बड़ी आसानी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, फंड भी ट्रांसफर हो जाते हैं ऑनलाइन, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर वक्त चल रहा है स्पेशल ग्रुप का। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।